वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन बुक के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये बुक हम कैसे पढ़ें और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें कोलन क्लास नंबर निकालने के लिए ज़रूरी होंगी। तो डिस्कस करते हैं, जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन है, SR रंगनाथन सर द्वारा लिखा गया, और इसके जो पब्लिकेशन हैं, पब्लिशर हैं, वो SS पब्लिकेशन है। तो इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये 6th एडिशन किसके द्वारा, मतलब इसके पब्लिशर कौन है। तो इसके पब्लिशर हैं जो वो SS पब्लिकेशन पब्लिशर हैं, ठीक है। और इस बुक पे आते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ बुक जब पढ़ाया था, तो इसमें बताया था कि ये हमारा जो पेपर टाइटल पेज है, और इससे हम मतलब जो हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। इसमें ऑथर की डिटेल, बुक की टाइटल और पब्लिकेशन की डिटेल दी होती है। और इसके बाद हमारे जो एडिशंस हैं, जो कि हमारे जो कोलन क्लासिफिकेशन बुक है वो 7th एडिशन में पब्लिश हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th का, 6 को 3 बार रिप्रिंट किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6th एडिशन 1960 में पहले रिप्रिंट हुआ, उसके बाद सॉरी 1966 एडिशन 60 में पहली बार आया, फिर रिप्रिंट 63 में हुआ, फिर 64 में, फिर 69 में, और उसका जो 7th एडिशन है वो 1987 में मतलब पब्लिश हुआ है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कॉल नंबर है कोलन क्लासिफिकेशन का, ये कॉल नंबर है, ये हमारा क्लास नंबर है, और ये हमारा बुक नंबर है, ठीक है। और बुक नंबर और कॉल नंबर को, सॉरी बुक नंबर और क्लास नंबर को मिला के हम लोग कॉल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा कॉल नंबर है कोलन क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और ये हमारा डेडिकेशन पेज है, जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने अपने ये किताब जो है कोलन क्लासिफिकेशन अपने मैथमेटिक्स गुरु एडवर्ड बी रॉस को समर्पित की थी। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये मतलब किसको डेडिकेट की थी रंगनाथन सर ने कोलन क्लासिफिकेशन बुक। और ये जो बुक है हमारे कंटेंट पेज है, आप देख पा रहे हैं इसमें कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 हमारा रूल्स कहलाता है, ठीक है, और उसके बाद पार्ट 2 जो हमारा शेड्यूल कहलाता है, शेड्यूल आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पार्ट 3 आता है, जिसमें सेपरेट बुक और ये क्लासिक बुक्स होती हैं वो आती हैं पूरी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और जिसका पेजिनेशन है 1, 2, 3 के फॉर्म में ना होकर 1.2, 1.3 इस सीक्वेंस में, और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का जो पेजिनेशन है वो 2.1, 2.2 इस तरह से किया गया है, और पार्ट 3 का 3 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट किया गया है। तो ये 3 पार्ट्स में बुक्स डिवाइड की गई है। तो मोटा मोटा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो CC का 6th एडिशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो DDC का जो 6th एडिशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रूल्स का रूल्स दिए गए कि कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर कैसे बनते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ कर चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ बुक्स में, और कॉल नंबर का हमने अलग से लेक्चर लिया था, टाइम आइसोलेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये हमारी क्लासेस हैं, मेन क्लासेस इसको बोलते हैं, और मेन क्लासेस जो भी होती हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मैथमेटिक्स का आप देख रहे हैं B है, फिजिक्स का C है, इंजीनियरिंग का D है। तो ये अलग अलग कैटेगरी मतलब क्लासेस हैं, जो कि 42 मेन क्लासेस हैं CC में। तो ये क्लासेस हैं, मेन क्लासेस इसको बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, ये प्रीफेस पेजेस, जिसमें एक प्रस्तावना दी गई है कि बुक को ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देख लीजिए यहाँ पे कि जो पहले माइनिंग का जो सिंबल था, इट ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करने का HZ प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे HZ दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हम लोग KZ का, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है जो उसको हम लोगों ने अभी KZ से रिप्रेजेंट इस एडिशन में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब प्रीफेस में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें ब्रीफ में हैं इसमें। और ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पर्पज़ है इस किताब को लिखने का। तो ये बताया गया जैसे कि ये मतलब उसके फिलासफी ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, साथ साथ इसमें पहले थ्योरी के मतलब थ्योरी के बारे में बताया गया कि रूल्स के माध्यम से हमें कि थ्योरी को समझाया गया है। इसके बाद फिर इसका हमने प्रैक्टिस मतलब इसके जो 2nd चैप्टर में हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग किताब में कॉल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बुक भी है एक तरह से। और इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंटिटिकल सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि इसमें डिफरेंस बताया है, जैसे कि इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है, जैसे हमारा DDC है, डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो वो हमारा मतलब
ऑलमोस्ट न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, जिसमें कि बने बनाए हमारे नंबर होते हैं और उसे हमें ऐसे चीज उठाने होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा सिस्टम है एनालिटिकल सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि हम लोग जो नंबर बनाते हैं क्लास नंबर, उस पर हम लोग पहले नंबर लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसको हम लोग मतलब कि संश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं, फिर उसको हम लोग कॉल नंबर देते हैं। तो और एक इसकी एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि मैकेनिकल एनालॉजी क्यों कहते हैं, और मतलब इसका भी एक मैकेनिक हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग मैकेनिकल एनालॉजी बोलते हैं इसमें। और इसमें जनरली इसका जो आइडिया था वो डॉक्टर एस आर रामचंद्रन को जब इंग्लैंड गए थे, लंदन में जब थे वो, तो वहाँ पर जो उनके मतलब एक टॉय शॉप थी, तो वहाँ पे मैकेनिकल अपार्टस था जो कि एक प्रकार का मतलब यंत्र होता है, मतलब एक खिलौना कह सकते हैं हम। तो उसमें कई तरह के पजल था, उसमें जोड़ जोड़ के हम लोग नई नई चीज़ें बना सकते थे। तो रंगनाथन सर जब वहाँ पे अपनी शॉप पे गए थे, तो उन्होंने ये यंत्र देखा था, एक खिलौने के रूप में था, और यहाँ से उनके मन में विचार आया कि हम लोग भी इस तरह से क्लासिफिकेशन स्कीम बनाएंगे, जिसमें कि अलग अलग क्लासेस होंगी और अलग अलग क्लासेस को अलग अलग रूल्स के माध्यम से हम मैनेज करके हम लोग एक नया नंबर बनाएंगे। तो ये वहाँ से इनका थॉट आया था। और सीसी को हम लोग सीसी इसलिए कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले उन्होंने इसमें जो कोलन का नंबर हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए कोलन मतलब कोलन का सिंबल प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग सीसी कहते हैं। और फिर नेमोनिक क्वालिटीज की नेमोनिक क्वालिटीज हैं, क्योंकि इसमें हम लोग आसानी से याद करने के मतलब कैसे हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे हम रूल्स को याद कर सकते हैं, तो ये इसलिए इसे हम लोग नेमोनिक क्वालिटी कहते हैं, जो कि ऐड टू मेमोरी, यानी कि हमारे मेमोरी में आसानी से ग्रेस्प कर सकते हैं इसको, इसके जो हमारे रूल्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये रूल्स के बारे में बताया गया है। ये जो स्कीम है ये माइन्यूट से, यानी कि मतलब बहुत सूक्ष्म क्लासिफिकेशन स्कीम है। और हॉस्पिटैलिटी की बात करें कि यानी कि दूसरी जो क्लासेस से इन फ्यूचर में कोई भी क्लासेस आएंगी, तो उनके लिए पहले से स्पेस छोड़ा गया है, जीरो पार्ट वन के चैप्टर 5, 6, 7 में पहले से स्पेस छोड़ रखा है, ताकि जो भी नई क्लासेस आए वो इसमें आसानी से मतलब स्पेस ले सकें और एडजस्ट हो सके, ठीक है। और फिर है आपका जो ये नोटेशन है, ये अंकन विधि है, टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी इसमें यूज़ किए, फोकस, फेसेट, पार्ट्स ऑफ चैप्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पार्ट वन जो है वो रूल्स कहलाता है, रूल्स हैं दिए हुए चैप्टर वाइज में, ठीक है। और पार्ट टू हमारा शेड्यूल कहलाता है, जिसमें कि रूल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, शेड्यूल है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं रूल्स को। और फिर थर्ड पार्ट आता है क्लासेस एंड क्लासिक्स एंड सेकेंड बुक, जिसमें कि हम लोग शास्त्र, जो हमारे शास्त्र हैं या जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उनके बने बनाए नंबर दिए गए हैं, और यहाँ से हम लोग आसानी से उस नंबर को उठा के क्लास नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में था। और ये एनेक्सर है, एनेक्सर में हम जनरली जो भी इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं सिक्स एडिशन में, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि अपनी पेज नंबर दिया हुआ है, ये पेज नंबर 1.5 पे रूल लिखने पे ये आपका ये चेंजमेंट किया गया है, ऑप्टिमाइजिंग डिजिट को सब्ट्रॉजिंग डिजिट कर दिया गया है। तो जब आप इस पेज पर जाएंगे तो ये आपको पूरा मतलब किसको किससे चेंज किया आप खुद देख सकते हैं। तो ये अलग अलग पेज एडिशन दिए हुए हैं और रूल्स दिए हैं कि किस पर्टिकुलर रूल्स में क्या चेंजमेंट किए गए हैं, तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे अलग अलग पेज पे अलग अलग जो भी चेंजमेंट किए हैं बताया गया है। और मैं पेज 26 पे आपको लेकर चलती हूँ, जो कि थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, और ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये पेज, इसमें भी रूल मतलब आपको चेंजमेंट आप देखने को मिलेगा पेज 2.17 पे जब जाएंगे, तो आपको ये मतलब ये जो जियोस्फीयर डेल्टा जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके नंबर पहले कुछ और थे, पहले बुक में कुछ और थे, अभी आपको ये आप उसकी जगह ये आप लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगर आप वो जो नंबर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 2.17, एक सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत छोटा फोन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये जो जियोस्फेयर का जो नंबर है पहले 1 था, और फॉरेस्ट का 1, 2, 4 था, जो कि फॉरेस्ट का यहाँ पे F है, तो ये पहले फॉरेस्ट का यहाँ पे 1, 2, 4 था, लेकिन अब लोग 1, 2, 4 का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग फॉरेस्ट के लिए F का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है, फिजिकल फीचर्स हम लोग इस पेज से ना उठाकर हम लोग इस पेज से पार्ट टू के इस पेज से उठाएंगे, एनालिसिस से लेंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए हमने इस मतलब टॉपिक को लेके आया कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको देख सकते हैं कि आपको चीज़ें दिख रही हैं, आपको ये सारी चेंजमेंट किया गया है। तो आप इसे पेजिनेशन पे जाएंगे,
तो आप वन बाय वन देख सकते हैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम आगे पार्ट वन पे, जो कि रूल्स हैं, और इसका पार्ट वन रूल्स है। तो ये रूल्स में पहले पेज पे चलते हैं कि पहले पेज में क्या बातें की गई हैं। तो कॉलम नंबर के बारे में बताया गया है, कॉलम नंबर हमको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कॉलम नंबर जनरली तीन भागों से बना है, क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर और बुक नंबर, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये जो ऑक्टोवाइजिंग को सेक्टराइजिंग कर देगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो हमें रूल्स एंड अक्षर को फॉलो करना है, जो भी चेंजमेंट है तो वहाँ से हमें ले लेना है, ठीक है। और ये आपके रूल्स के ही सारे पार्ट्स हैं, कनेक्टिव सिंबल्स कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड एरो है ये, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारे जो क्लासिफाइंग के 9 स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जिसे हम लोग 0 to 8 कंसीडर करते हैं। मतलब इसमें जब बुक कोई लाइब्रेरी में आती है तो उसको कैसे हम लोग क्लास नंबर देते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। जैसे कि रॉ टाइटल पहले हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि जो किताब एज इट इज़ आई है उसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर उसको हम फुल टाइटल लिखते हैं कि उसका ऑथर का नाम क्या है, तो उसको फुल टाइटल से एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद कर्नल टाइटल में लोग जो भी उसके ऑफ इन द जो भी होता है उसको हटा देते हैं। फिर एनालाइज करते हैं उसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर फंडामेंटल कैटेगरीज उसे मतलब हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर उसके सिम्बल्स देते हैं। फिर हम लोग उसे क्लास नंबर यानी कि जो भी उसके नंबर्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो करेक्ट हैं नहीं, यानी दोबारा चेक करते हैं। तो ये 8 स्टेप हैं जो कि 0 to 8 लिए जाते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मतलब उसका पहला स्टेप क्या है, तो जो लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं कि वो वन कंसीडर वन बोल देते हैं, तो ये गलत है। तो ये जो 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 0 से स्टार्ट करके 8 पे ख़त्म होते हैं। तो ये 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे। और इसमें एक बुक नंबर है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉल नंबर का एक पार्ट है। बुक नंबर को बनाने के लिए सर ने रणा सर ने फॉर्मूला दिया था, बुक नंबर फॉर्मूला जो कि 8 तत्वों में डिवाइड किया गया है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। फॉर्म नंबर ये सब बुक नंबर के पार्ट चल रहा है, ये भी बुक नंबर का ही पार्ट चल रहा है। जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे ईयर बनाने मैंने बताया, फिर मैं थोड़ा जैसे कि अगर हम लोग जैसे मान लो 1930 मतलब हमें 1935 लेना है, तो हम लोग यहाँ जी लेंगे और 35 लेंगे, तो हमारे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर बन जाएगा, ईयर नंबर के द्वारा बनाने का, ठीक है। और ये बॉल वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे बुक नंबर का फॉर्मूला के अंतर्गत आती हैं। ये कलेक्शन नंबर आ गया कि हम लोग कलेक्शन नंबर को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और कहाँ पे रखते हैं। कलेक्शन नंबर एक तरह से अलग अलग टाइप की बुक्स होती है जिनको हम लोग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिख बताया भी था कि आर रेफरेंस की होगी तो आर लिख देंगे हम लोग, अगर रीडिंग एरिया की होगी आर आर लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके लिए। हाँ, बेसिक फोकस, फोकस एंड फेसेट। तो ये फोकस एंड फेसेट है, और जनरली क्या होता है, फोकस एक मेन क्लासेस कहलाती है, ठीक है। ये मेन क्लास होती है, ठीक है, और मेन क्लास के भी जो सब क्लासेस होती हैं वो हमारी फेसेट कहलाते हैं, ठीक है। मेन क्लास की सब क्लास जो होती है वो फेसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आइसोलेट को डिफाइन किया गया है कि आइसोलेट क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, और फिर हमारे कंपाउंड क्लासेस क्या होती हैं। ये सारे रूल्स हैं और इसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें से अभी फंडामेंटल कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है, PMEST के सिंबल से आप लोग याद कर लीजिएगा, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये याद कर लीजिएगा। एनर्जी को हम लोग एक्टिविटीज एक्शन और आइडेंटिफाई करते हैं, मैटर कोई भी तत्व हो सकता है, और पर्सनैलिटी को होल सोल या फिर कोई ऑर्गन हो गया मतलब बॉडी का, या फिर हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गई, तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंतर्गत आती हैं। और आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग क्लास नंबर निकालते हैं तो हमें ये PMEST याद होने चाहिए, इसके सिंबल्स भी याद होने चाहिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉट, जो ये टाइम मतलब 6th एडिशन की बुक है, तो हमारे लिए 6th एडिशन में ही टाइम के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया था। पहले क्या होता था, 5th एडिशन तक टाइम के लिए हम लोग डॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन 6th एडिशन से ही हम लोगों ने टाइम के लिए सिंगल इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये एग्जाम्पल्स हैं इसके बारे में।
राउंड्स एंड मैनिफेस्टेशन, राउंड्स को हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार के मतलब राउंड्स एंड मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जीज को हम लोग किस थर्ड लेवल एनर्जी में कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपको हम जब मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस कराएंगे तो उसे आसानी मतलब आराम से डिस्कस करेंगे। और ये लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस हैं ये, हाँ ये डिवाइसेस हैं एक्चुअली, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब सब्जेक्ट को हम लोग किस किस माध्यम से अलग करते हैं, तो वो बताई गई है, तो डिवाइसेस बताई थी रंगा सर ने कि किस किस माध्यम से हम सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, यानी कि जो ऑथर होता है उसके डेट ऑफ बर्थ या फिर जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर होता है उसके माध्यम से भी हम उसको क्लास नंबर दे सकते हैं। तो एक क्रोनोलॉजिकल डिवाइस ईयर के माध्यम से देते हैं, ऑथर के ईयर के माध्यम से। और यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिवाइस, यानी कि जो हम लोग किसी भी भौगोलिक स्थिति के माध्यम से किसी भी क्लास नंबर किसी बुक को देते हैं, तो उसे हम लोग ज्योग्राफिकल डिवाइस के माध्यम से क्लास नंबर देते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। ज्योग्राफिकल डिवाइस के माध्यम से हम उसे क्लास नंबर देते हैं। तो डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग अलग अलग क्लासेस नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ें बताई गई। जैसे सब्जेक्ट डिवाइस, मतलब सब्जेक्ट डिवाइस में हम लोग सब्जेक्ट के माध्यम से अलग अलग क्लासेस को अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और इसका सिंबल्स भी जनरली पूछ लेता है कि सब्जेक्ट डिवाइस का सिंबल क्या है। तो सब्जेक्ट डिवाइस का सिंबल सर्कुलर ब्रैकेट है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे नॉमिनल डिवाइस है, तो नॉमिनल डिवाइस से मैंने बताया था कि हम लोग ऐड टू मेमोरी आसानी से हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। तो उसमें रूल्स दिए हैं किस किस तरीके से हम लोग मतलब इसको याद कर सकते हैं और कैसे हेल्पफुल है याद करने के लिए। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, जिसमें सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए जनरली हम लोग जो सिंपल यूज़ करते हैं वो हाइफन या डैश का प्रयोग करते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि दो पर्सनैलिटी का यूज़ कहता है, और दो पर्सनैलिटीज का जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं वो सुपर इम्पोजिशन डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी ये पूछ जाता है मतलब कई पेपर्स होते हैं जैसे KVS हो गया या NVS हो गया जो कि साल में भर होता है, तो ये उसमें रेडीमेड क्वेश्चन आते हैं कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस क्या होती है। तो मोटा मोटा हम देखते हैं कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में जनरली दो दो पर्सनैलिटीज का एक साथ प्रयोग करते हैं, तो वो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कहलाती है। और इसके लिए हम लोग जो सिंबल है वो डैश का प्रयोग करते हैं। तो ये सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के बारे में था। और ये ऊपर अल्फाबेटिकल डिवाइस था कि अल्फाबेटिकल डिवाइस के माध्यम से भी हम लोग मतलब जैसे कि अगर बात करें कि एक हमारे पास ये कि अल्फाबेटिकल डिवाइस का जब प्रयोग करते हैं जबकि हमारे पास कोई मजबूरी होती है कि हमारे पास क्लास नंबर को अलग करना है, अलग से आइडेंटिफाई कराना है, और हमारे पास वो बुक में वो नंबर नहीं है, तो हम लोग मजबूरी में अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। और अल्फाबेटिकल डिवाइस किसी भी जैसे कि मान लीजिए कोई कस्बा हो गया या फिर मैं कोई प्रोडक्ट हो गया, तो उसे मैं किसी उसका प्रोडक्ट का नाम है तो उसे मैं कैपिटल लेटर के पहला लेटर या फिर फर्स्ट थ्री लेटर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं विको वैजयंती का कोई प्रोडक्ट है, अगर टूथपेस्ट की बात की टूथपेस्ट विको वैजयंती बनती, तो अब टूथपेस्ट बहुत सारे हैं, टूथपेस्ट अगर हम लोग लिख देंगे तो यूनिवर्सल कि ये किस पर्टिकुलर ब्रांड का है, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर विको का है तो VIC उसे पहले अल्फाबेटिकल डिवाइस VIC नंबर कैपिटल में दे देंगे, तो ये हमारा मतलब अल्फाबेटिकल डिवाइस के माध्यम से उसे क्लास नंबर के अंतर क्लास नंबर्स को हम लोग बनाएंगे। तो ये एक तरीका होता है अल्फाबेटिकल डिवाइस से हम लोग क्लास को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। फेवर्ड फोकस है ये। और हाँ, ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ जैसे हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस की AD अल्फाबेटिकल डिवाइस, तो ऐसे ही सारे एक मतलब कंप्रेस फॉर्म में, सप्रेस फॉर्म में या फिर एक एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आइसोलेट आइडिया क्या होते हैं, आइसोलेट टर्म क्या होते हैं, इंट्राइजिंग ACI क्या होता है, AD क्या होता है, तो सारे शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे से एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसे हम लोग वन बाई वन लेके चलेंगे। पर्सनैलिटी क्या होती है, सारे इसके एब्रिविएशन दिए हुए हैं। और ये डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने 33 कैनन्स दिए थे, तो उनके कैनन के बारे में बताया गया कि कौन कौन से कैनन थे, तो ये आप देख सकते हैं। और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे पढ़ लें तो भी सफिशेंट होगा। और फिर ये कैनन्स ही चल रहे, 33 कैनन्स डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने इस किताब में दिए हैं। और ये हेल्पफुल सीक्वेंस हैं
प्रिंसिपल एंड वॉच लिस्ट फॉर हेल्पफुल सिक्वेंस है कि हम लोग किस तरह से मतलब जो सिद्धांत है तो हम लोग हेल्पफुल सिक्वेंस के फॉर्म से हम लोग रूल्स को फॉलो करते हुए क्लास नंबर बनाएंगे। स्टेप्स ये हुए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये हेल्पफुल सिक्वेंस जो है डॉक्टर एस आर रमन सर द्वारा दिया गया है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए जैसे कि लेटर एंड इवेल्युएशन, लेफ्ट टू राइट जो कि हम नंबर बनाते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाता है। और ये सारे इनके प्रिंसिपल्स हैं, ये भी एज इट इज पूछ लिए जाते हैं लाइब्रेरी साइंस में के पेपर्स में कि ये लिटरेरी वायरिंग क्या होता है, अल्फाबेटिकल सिक्वेंस क्या होता है, और जो नंबर बनते हैं क्लास नंबर वो तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट बनते हैं, तो ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। काउ का प्रिंसिपल किसने दिया था, एक्ट एंड एक्शन एक्टर प्रिंसिपल किसने दिया था, होल ऑर्गन प्रिंसिपल क्या है और किसने दिया था, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप याद कर लें तो भी अच्छा होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है एज इट इज़ कि होल ऑर्गन प्रिंसिपल किसने दिया था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने दिया था। क्योंकि ये पूरी किताब डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने लिखी है, तो मोस्टली जो भी चीज़ें हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने ही दी हुई हैं। और ये मेन क्लासेस हैं, मेन क्लासेस यहाँ से देख सकते हैं। पहला पेज है मेन, चैप्टर वन है मेन क्लास, इसके बाद कॉमन आइसोलेट व्यू है। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो कॉमन आइसोलेट दो प्रकार की होती है, ये भी पूछ जाता है कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट होता है और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ, ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एज इट इज़ क्वेश्चंस आता है। आप नेट का पेपर उठा के देखिए या फिर के वी एस एम एस का पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं बायोग्राफी का नंबर क्या है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि डब्ल्यू बायोग्राफी का नंबर है। और हाँ, ये डब्ल्यू बायोग्राफी का नंबर है, तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ए सी आई होती है एट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, जनरली हम लोग स्पेस आइसोलेट के सॉरी टाइम आइसोलेट के पहले यूज़ करते हैं। और जो हम लोग पर्सनैलिटी लेते हैं वो जियोग्राफिकल डिवाइस से लेते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेते हैं, तो ये तरीके दिए हुए हैं जियोग्राफिकल डिवाइस से कैसे क्या चीज़ें लेते हैं। और ये सिंबल्स हैं, इसे आप लर्न कर लीजिए, ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मेन टाइम्स पूछा गया कि सीरियल का सिंबल क्या है, नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप याद कर लीजिए। और ये है, ये भाई ये उसके डिटेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेस आइसोलेट आफ्टर स्पेस एंट्राइजिंग, जो कॉमन आइसोलेट एंट्राइजिंग जो होता है वो आफ्टर स्पेस, मतलब स्पेस स्पेस के बारे में लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में आ गया, फिर टाइम आइसोलेट को कैसे प्रयोग करते हैं, तो सारे रूल्स दिए हुए हैं। और जो ए सी आई पी सी आई क्या होती है, इसे हम एक मतलब अलग क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये अपने में ही एक अलग टॉपिक है और अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा काफ़ी टाइम ले लेगा। ठीक है, टाइम आइसोलेट को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कभी कभी पूछा था कि एलईडी का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड एलईडी का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड्स के लिए कौन कौन से ईयर्स होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सारे ईयर्स प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड के अंतर्गत आती हैं। और ये सारी चीज़ें टाइम आइसोलेट के अंतर्गत आती हैं क्योंकि ये किस एक पर्टिकुलर डिकेड को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि 1, 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये अभी आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम समझ में आएगा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स करेंगे तब काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये स्पेस आइसोलेट के बारे में बताया है, इसे हम नहीं लेंगे अभी क्योंकि तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कंट्री के बारे में, स्पेस के अंदर ही कंट्रीज आती हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज आइसोलेट दिए हुए इसमें कि हम लोग किस प्रकार से यूज़ करेंगे, फ्रेजेस दिए हैं, इंट्राफेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेज रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोग टफ क्लासिफिकेशन मतलब टफ क्लास हम बनाते हैं तो ये फेज रिलेशन आते हैं, और फेज रिलेशन मतलब पांच प्रकार में डिवाइड किया गया है। मतलब ये देख सकते हैं आपकी जनरल रिलेशन होता है, बायस होता है, और इंट्रा
फेस इट होता है, कंपैरिजन होता है, डिफरेंस फेस होता है, बायस होता है और इंट्रा एरे रिलेशन होता है। तो पांच तरीके से मतलब इन्फ्लुएंसिंग फेस भी होता है। तो पांच प्रकार से मतलब फेस रिलेशन को हम लोग व्यक्त करते हैं और इसके भी हम लोग एक इंडिविजुअल क्लास लेंगे और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते इसको। और ये क्लासिक है जो कि हम लोग जो हमारे पार्ट थ्री का एक पार्ट है। क्लासिक्स हमारे जो किताबें हैं, जो शास्त्र हैं हमारे या जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं तो उसके अंदर बताएंगे। ये जर्नेलिया है और यहाँ पे जो आप जेट देख रहे हैं, पहले जेट भी यूज होता था, अब यहाँ पे ए का प्रयोग करने लगे। जेट फोर है, जेट फोर वन है, जेट 42 है, तो यहाँ पे जेट की जगह ए का प्रयोग करने लगे, जेट फोर हो जाएगा और ए 41, तो ए थोड़ा चेंजमेंट आया है यहाँ पे। इंडोलॉजी का भी ए 44 होगा और ये जनरल जो भी जनरल क्लास होती है वो यहाँ पे दी गई है और ये फेसेट दिए गए हैं जो कि मेन क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। लाइब्रेरी साइंस के रूल्स, ये सारे रूल्स हैं कि मतलब कौन कौन से क्लास मेन क्लास में किस प्रकार से हम लोग रूल फॉलो करते हैं। तो जब हम लोग क्लास में बनाएंगे तो हम लोग रूल को फॉलो करेंगे कि पी है मतलब यहाँ पर्सनैलिटी क्या है, ई क्या है, किस तरह से हम लोग मिलाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी भी हम लोग कई प्रकार से यूज़ करते हैं, पर्सनैलिटी भी कई होती हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें हम लोग आसानी से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पी पी टू पी थ्री, तो इसमें तीन पर्सनैलिटी यूज की गई हैं, ठीक है। और इस तरह से एनर्जी को भी हम लोग कई प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो ये फेसेट फार्मूलाज हैं, अलग अलग जो भी हमारी 42 मेन क्लासेस हैं उन सबके फेसेट फार्मूलाज हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एनर्जी इंजीनियरिंग का नंबर है और इसके ये फेसेट फार्मूला दिए हैं पी पी टू पी थ्री एम, ये सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं कि हम लोग किसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक है। जितनी भी क्लासेस हमारे 42 मेन क्लास तो उनके इंडिविजुअली फार्मूला फेसेट फार्मूला दिए हुए हैं, ये सारे फेसेट फार्मूलाज हैं। जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ से फार्मूला को लेते हैं, बाकी जो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो हम लोग शेड्यूल से लेते हैं। ये भी कभी पूछा था कि डेल्टा किसका सिंबल, तो स्पिरिचुअल एंड मैटिज्म का नंबर है यहाँ पे। एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये भी इम्पॉर्टेंट क्लास है। हाँ ये कभी कभी पूछ जाता है कि ये डेल्टा भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है और इसका जनरली एग्जामिनेशन में पूछ जाता है कि डेल्टा का मतलब किस मेन क्लास का नाम क्या है, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मैटिज्म है और ये किस किस के बीच में आती है, तो ये भी कभी कभी पूछ जाता है। तो आगे के और पीछे के जो क्लासेस हैं उनको आप याद कर सकते हैं और जो भी हमारी 42 मेन क्लास होती हैं वो हमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, हमें केवल देखने की ज़रूरत है अभी, और प्रैक्टिस करते करते हमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें जो कि हम लोग अभी प्रैक्टिकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज फीचर के बारे में है, ये लास्ट में इंडेक्स दी हुई है जिसमें कि जो भी नंबर्स हैं वो डिक्शनरी ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो आप उस नंबर को देख सकते हैं उस पर्टिकुलर मतलब जो हमारा प्रॉब्लम है या जो भी नंबर है मतलब उसको देख सकते हैं, पॉइंट को देख सकते हैं। तो ये हर जो भी हमारे पार्ट थ्री हैं तो सभी पार्ट्स के आगे लास्ट में मतलब इंडेक्स दिए हुए। तो ये पार्ट वन था जो कि आज मैं डिस्कस किया और ये पार्ट टू जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।